हेलो वेलकम टू बी बैंकर री संजीव स्वागत दोस्तों चैनल बी बैंकर में स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग बेसिक्स इंग्लिश जैसा कि आपने पोस्टर में देखा जिस तरह के वाक्य आपने देखे वो सभी वाक्य हम लोग इसमें बनाना सीख जाएंगे चुटकियों में बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं सभी वाक्यों को ओके तो बने रही वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं बट उससे पहले आपसे गुजारिश हो गया हमारे चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ फेसबुक हो ट्विटर हो टम्लर हो इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो व्हाट्सएप होर मस्ट लाइक दीडियो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए माय फ्रेंड बिकॉज वीडियो जो है हमेशा की तरह टॉप क्लास ए वन और धा है राइट right? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं जो पोस्टर में अपने जो सेंटेंसेस देखे वो सभी सेंटेंसेस बेस्ड हैं फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस पे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस जिसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं माय फ्रेंड ओके फ्यूचर एंड डेफिनट टेंस जिसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं अनलॉक करेंगे इसको और इसको आप जैसे ही सीख जाते हैं तो जिस तरह जितने भी सेंटेंसेस हैं इस पर बेस जैसे कि मैं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा क्या मैं जाऊँगा क्या मैं नहीं जाऊंगा मैं क्यों जाऊंगा मैं क्यों नहीं जाऊंगा मैं कब जाऊंगा ऐसे जो भी वाक्य हैं इसको आप चुटकियों में बना सकते हो ओके okay? सीखेंगे पहले थोड़ी बेसिक्स दोस्तों टेंस के तीन पार्ट होते हैं जैसा कि सबको पता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्लियर है इतना अब देखिए इन सभी के इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं है ना इंडेफिनिट या इनडेफिनेट को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस ध्यान दीजिएगा इनडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक है अच्छी बात यह है कि ये तीनों के जो चारों पार्ट हैं सबका नाम एक ही है ये देखिए इनडेफिनिट 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 या सिंपल 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 कॉन्टिन्यूस 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 परफेक्ट 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 कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूस क्लियर है है ना तो नाम बिल्कुल सेम है तो याद रखना आसान है है ना और इस वीडियो में हम लोग जो सीखेंगे दैट इज इनडेफिनिट है ना फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर भी आप बोल सकते हैं इसको क्लियर है माय फ्रेंड इसको अनलॉक करेंगे और बारी बारी से सबको अनलॉक करेंगे हमारे चैनल पे क्लियर है चलिए आते हैं इसके स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगाना है पहले फिर उसके बाद विल लगाना है फिर भव का पहला फॉर्म भव फर्स्ट प्लस जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को लगा देना है है ना एक एग्जाम्पल लेते हैं सब्जेक्ट की जगह पर आई रख दिया विल की जगह पर विल को रख दिया वर्ब की जगह पर राइट रख दिया है ना ऑब्जेक्ट की जगह पे अ लेटर रख दिया आई विल राइट अ लेटर मैं एक पत्र लिखूँगा क्लियर है ना तो बहुत ही आसान है सब्जेक्ट विल प्लस भाव का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड उसके जगह पे आप उसको रख दीजिए बन जाएगा आपका वाक्य है ना चलिए देखिए सेंटेंस को देखते हैं मैं जाऊँगा आई विल गो मैं नहीं जाऊँगा सिर्फ यहाँ पे नॉट की एंट्री हो जाएगी आई विल नॉट गो क्या मैं जाऊँगा अब देखिए क्या मैं जाऊँगा मैं सिर्फ विल को आगे कर देना है विल आई गो क्या मैं नहीं जाऊँगा विल आई नॉट गो ये देखिए इसमें सिर्फ नॉट की एंट्री हो गई तो विल आई नॉट गो हो गया मैं क्यों जाऊँगा वाई लगा दीजिए वाई वाई का मतलब क्यों होता है तो वाई विल आई गो है ना मैं क्यों नहीं जाऊंगा Why विल आई नॉट गो ये देखिए और ध्यान रखिएगा Why जब भी कोई डब्ल्यू एच जो शब्द होते हैं डब्ल्यू एच वाले वाई वॉट वेन है ना ये जितने भी शब्द होते हैं इसके तुरंत बाद ये ऑग्जिलरी वर्व या हेल्पिंग भर्व आ जाता है है ना तो वाई विल आई नॉट गो और दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हो उसको शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं वाई वोंट वाई वाई गो ये भी हो सकता है है ना तो आप आने वाले दिनों में और भी चीज़ें सीखेंगे और भी शॉर्टकट सीखेंगे मतलब इतने बड़े बड़े सेंटेंस को भी हम लोग छोटा करके बोल सकते हैं वाई विल आई नॉट गो इतना आप नहीं बोलना चाहते तो आप सिंपली बोल सकते हैं वाई वॉन्ट आई गो है ना मैं कब जाऊँगा सिर्फ कब का अंग्रेज़ी लगा दिया वेन विल आई गो क्लियर है चलिए अब यही सेम चीज़ हम लोग वह के साथ देखते हैं है ना क्या चेंजेस आता है ऑलमोस्ट कोई चेंजेस नहीं है है ना वह जाएगा

वह कब जाएगा वन विल ही गो है ना ये आप यहाँ पे कर सकते हो फ्रेंड आ रही है समझ में तो ऑलमोस्ट देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है सिर्फ जहाँ पे ही लगाना है आई के जगह पे ही लग जाएगा बस उतना ही चेंजेस है और कोई चेंजेस नहीं है ठीक है चलिए एक और देखते हैं अब इसी सेम चीज़ को तुम या आपके साथ देख लेते हैं तुम का अंग्रेजी यू होता है तो तुम या आप जाओगे यू विल गो आप नहीं जाओगे यू विल नॉट गो ओके क्या आप जाओगे विल यू गो क्या आप नहीं जाओगे विल नॉट गो आप क्यों जाओगे वाई विल यू गो है ना ये देखिए आप क्यों जाओगे वाई विल यू गो आप क्यों नहीं जाओगे वाई विल यू नॉट गो आप इसी को शॉर्ट में बोल सकते हो। वाई वॉन्ट यू गो है ना तुम या आप कब जाओगे वेन विल यू गो है ना तो देखिए कोई बदलाव नहीं आ रहा है चाहे आप यहाँ पे कुछ भी रखिए मैं अंग्रेजी रखा आई तुम का अंग्रेजी रखा यू ही फिर वह का अंग्रेजी ही रख दिया अब सी लगा दीजिए वी लगा दीजिए दे लगा दीजिए कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला सेम टू सेम आपको रखना है और मेरी सलाह ये होगी दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में एक बार ही नोट डाउन कर लेंगे और स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए है ना और सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जैसे जो भी रिक्वायरमेंट है जैसे वह है ना तो वह का ही हो गया लड़की है फीमेल है तो सी हो जाएगा वे लोग हैं वे लोग का दे हो जाएगा हम लोग हैं हम लोग का वी हो जाएगा है ना और कोई बदलावी तो नहीं करना है कोई चेंजेस नहीं करना है सेम टू सेम जहाँ पे यू है वहाँ पे वी फिट कर दो ये देखो है ना सेम टू सेम जहाँ पे ही है वहाँ पे सी फिट कर दो कुछ भी तीनों स्ट्रक्चर समान है जो तीनों आप देखा आपने मैंने एग्जांपल जो दिए तीनों का तीनों आप किसी भी एक स्क्रीन की है, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ही के साथ है ना आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लो इसको रख लो और इसके जगह पे ही के जगह पे जैसे मान लीजिए ही के जगह पे है वे लोग क्या वे लोग जाएंगे क्या वे लोग जाएंगे विल दे गो ये देखिए यहाँ पे क्या वे लोग जाएंगे तो विल देगा तो ही की जगह पे दे रख दिया क्या हम लोग जाएंगे विल वी गो है ना? तो जो भी चीजें जैसे कि क्या सोहन जाएगा विल सोहन गो आप कोई नाम भी रख सकते हो क्या रीता जाएगी विल रीता गो है ना तो कुछ करना नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है नाम जो है जो भी सब्जेक्ट होगा ही सी है ना नेम कोई भी वी दे उसकी जगह पे वो चीज़ रख दे नहीं है राइट उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ समझ में आ गई है वीडियो पसंद आ गया है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं फ्रेंड कि अगर आपको कंप्लीट स्पोकन कोर्स करनी है है ना कंप्लीट स्पोकन कोर्स करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरी साढ़े छः घंटे की वीडियो की लिंक है स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो है है ना साढ़े घंटे का उसको कंप्लीट कीजिए गारंटी देता हूँ आप 110 परसेंट गारंटी है कि वीडियो को देखने के बाद उसमें चीज़ जो भी मैंने बताए हैं उसको फॉलो करने के बाद उसमें होमवर्क दिए गए हैं असाइनमेंट दिए गए हैं उसको करने के बाद आप 110 प्रतिशत आप अंग्रेज़ी बोल पाओगे यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिस ओके और वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कमेंट सेक्शन पर जाओगे वहाँ पर मिल जाएगा आप सीधे सीधे व्हाट्सएप करके भी सभी लिंक की प्राप्ति कर सकते हो ओके okay? Thank you so much for watching. My name is Empowering Life through Knowledge. All the best. Happy Learning.